तो हे एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सालू कटारिया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है 1:15 हो रहे हैं। तो जी बस अब ब्लॉग स्टार्ट करूँ। ये भी आज मेरे पास ऊपर आ गया सोने के लिए, और छोटे वाला भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए, ये रहा यहाँ छोटे वाला। क्या कर रहे हो? हाँ टोटो, टोटो इधर देखो। नहीं देखोगे? नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। देखो ये काउंट कर रहा है। समिक्स इधर ले आओ बुक। ये समिक्स की पुरानी बुक है, तो हमने ना इसको ही दे रखी है टोटो को पढ़ने के लिए। ये भी बहुत जिद करता है कि मुझे पढ़नी है। जब इसको पढ़ाते हैं तो बस इसलिए कभी इससे लग रहा है खेलने। इसको पढ़ने का तो क्या पता, बस ये लगा रहता है। तो जी देखिए, बस अब इन दोनों को ही लगा रही हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम पास कर हो जाएगा मैं इनका, उसके बाद मैं लिटाऊंगी, सो जाएंगे। एंड आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद में। तो मैं अब आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आने वाले हैं नवरात्रे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी तो चल रहे हैं श्राद्ध। तो श्राद्ध में ना तो कुछ नए कपड़े वगैरह खरीदते हैं। अभी वैसे हमें शॉपिंग करनी थी, क्योंकि जो मेरी भांजी है उसका बर्थडे आ रहा है, वो 1 ईयर की होने वाली है कंप्लीट। तो उसका पहला बर्थडे आ रहा है, तो बस उसी के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि श्राद्ध है और उसका बर्थडे है 27 सितंबर को। तो जी बस शॉपिंग भी हम उसी दिन करेंगे जिस दिन माँ बस पूछेगी, तो हम उसी दिन करेंगे शॉपिंग। उसके बर्थडे की भी जाएंगे करने मार्केट वगैरह में। तो बस अभी के लिए इतना ही है अपडेट। और अपडेट ये है, इससे ज़्यादा अपडेट अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे ना, आप लोगों को पता होगा जैसे नवरात्रे आते हैं, तो इस वाले नवरात्र में जैसे माता रानी बैठाते हैं, जिसे जगह जगह पे कहते हैं जानजी माता, मतलब सांझी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, हमारी तरफ सांझी बोलते हैं, तो सांझी ही बोलूँगी मैं आपको। तो सांझी माता का स्थापना करते हैं सांझी माता की। तो जी वही हमारे घर में बनती है, यहाँ पर भी बनती है, बट यहाँ मिट्टी की वजह से नहीं बनती। और मेरे मायके में जब से मैं, मतलब थोड़ा समझ में आने लगा ये सब, तो जब से मैंने तो वहाँ यही देखा है। जो मेरी मौसी है, मीन्स की मेरी चाची भी लगती है बट मौसी भी है वो मेरी, तो वो ही बनाती है हमारे पूरे घर में सबके लिए। तो इस बार मैंने उनसे ही बनवाई है। तो मैं अभी आपको एक क्लिप आपको उसकी देखने को मिल जाएगी इसी ब्लॉग में। तो मैं हस्बैंड को बोलूँगी कि एडिट कर दे वो वाली क्लिप भी उसमें। मेरे पास तो काफ़ी दिन हो गए आ रखी थी, तो बस मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि ना मेरे को एक तो टाइम नहीं मिल रहा था, और दूसरा कि मेरे ना कुछ, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी बीच में। तो मेरा जो ये फेस है ना, ये दिख रहा होगा आपको इधर उधर से, ये सारा ना ऐसा हो गया, मतलब डल सा पड़ गया। अब जो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दिया, उन्होंने बोला है कि अभी जो दिक्कत बताई है, जो तकलीफ है इन्फेक्शन वगैरह, उसकी वजह से ही मेरे फेस पे ऐसे डलनेस आ रही है। तो जैसे जैसे वो इन्फेक्शन ठीक होगा, ये डलनेस अपने आप दूर होती चली जाएगी। तो बस इसीलिए, वरना मैं तो घबरा गई थी। मैं गई भी ऐसे टाइम पे थी, कि मेरे एकदम से ना जो ये चीज़ है ना, ये एकदम से सूजने लगी थी यहाँ पे आइज़ के नीचे। तो मैं जब गई थी एकदम से, वैसे भी नहीं जा रही थी कि, क्योंकि मेरे को उससे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस हल्का सा पेन हो रहा था उस इन्फेक्शन से। तो बस अब जब गई तो फिर डॉक्टर ने बताया कि आपको इन्फेक्शन की वजह से ही डलनेस आ रही है पूरे फेस पे, क्योंकि जब भी अगर आपका टमी ख़राब होता है तो सबसे पहले आपके फेस पे ही दिखती है वो चीज़। तो जी बस इसी वजह से मेरा फेस ऐसा हो गया था। और फिर मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो जी बस आपको क्लिप देखना सांझी माता की और बताना। हाँ, जो मेरी सांझी ना उसमें उसमें नहीं है, जो मेरी बनाई है उन्होंने, वो मैंने अलग से देखी थी मम्मी के पास से। तो मैं मम्मी को बोलूँगी कि उसकी वीडियो बना दी, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं आई है, अभी टाइम लगेगा आने में, क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा है। और जो छोटे वाला देवर है वो लेट आता है ऑफिस से, जो वो ऑफिस से आके चला जाए। तो
बस इसीलिए नहीं आ पा रही। तो देखते हैं कि कब तक आएगी। मावस से पहले पहले लानी है क्योंकि उसमें कलर भी होना है, एंड कलर का मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी जब मैं उनको कलर करूंगी, उनका मेकअप करूंगी, सब कुछ डेकोरेट करेंगे। तो जी बस मावस आ रही है और देखते हैं कैसी सांझी आएगी। मेरे को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और देखिए ये क्या कर रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। सारे उठाओ जल्दी, कहाँ फेंक के आओगे? जाओ डाल कर आओ। आप भी दो, भैया को दो, ये भैया को दो, फेंक कर आओ जल्दी डस्टबिन में डालो। अरे देखिए बारिश हुई थी तो सारे में कैसे गीला हो रहा है। करूँगी ये भी मैं साफ अभी, बट पहले ये सो जाए दोनों, उसके बाद में आ जाओ इधर। हाँ लेटना नहीं है, सोना नहीं है अब। ये देखो इन्होंने कैसे कैसे दुपट्टे सारे में फैला दिए। टोटो ये किसका है? ये किसका है? किसका है ये? आपका है, आपका ये देखो पहनाते ना तो पहनने का नाम नहीं लेता। हाँ दे रखने चल दिया। तो जी बस हमारा तो यही चलता रहेगा। अब इन दोनों को लेटाती हूँ, सुलाती हूँ, उसके बाद में शाम को मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय। तो देखिए एक और बहू आ चुकी है हमारे घर में। ये भी मुँह दिखाई करती हूँ अभी इसकी। ये भी ये देखिए, इसको बहुत शौक रहता है इन सब चीज़ों का। चलिए ये दोनों अब ऐसे ही घूमते रहेंगे, मैं इनको सुलाती हूँ। और मैं भी थक चुकी हूँ तो चलिए इनको लेकर मैं भी आराम कर लूँगी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा मॉर्निंग के 5:20 हो चुके हैं। तो बस अब बना रही हूँ मैं खाना, तैयारी हो रहा। हाँ जल्दी से ही लग रही हूँ क्योंकि साग बनना है। तो देखिए साग भी कट चुका है, येरा तो ये आया था गाँव से। तो जी बस अब ये साग चढ़ाते हैं, बनाते हैं। इसमें इतने सिटी लगे, इतने आटा वाटा मैं लगा लूँगी। चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में।